उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते माह 18 अक्टूबर को हिंदू समाज पार्टी नेता कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस साजिश में शामिल तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी में लगी गुजरात व यूपी एटीएस की टीम को कानपुर से तीसरे आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार आरोपी फतेहपुर जनपद का रहने वाला है और उसने हत्यारों को असला उपलब्ध करवाया था। उत्तर प्रदेश व गुजरात की एसटीएस टीम ने बीते दिनों लखनऊ में हुई हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी थी। हत्याकांड के बाद से जांच में जुटी टीमों को लगातार साजिश में शामिल होने वाले कई लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। इनमें मुख्य आरोपी अशफाक व मोइनुद्दीन उर्फ फरीद पठान को पूर्व में ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा चुका है, जबकि शिकायतकर्ता वारदात के बाद से छुपते हुए लगातार ठिकाने बदलते रहे हैं, जिनकी तलाश में एटीएस की टीमें लगातार जुटी हुई थी। शुक्रवार की शाम को कानपुर में कई दिनों से डेरा जमाए यूपी व गुजरात की एटीएस की संयुक्त टीम ने हरबंश मोहोल थाना क्षेत्र स्थित घंटाघर से कमलेश हत्याकांड में शामिल एक और साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साजिशकर्ता फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र स्थित रायपुर गांव के मुवारी का रहने वाला इशाद खान का बेटा यूसुफ खान है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी की जानकारी यूपी एटीएस की ओर से जारी कर देर रात दी गई थी, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा हत्या के लिए साजिश में शामिल होने वाले हत्यारों को असला उपलब्ध करवाने का आरोप है। उसके कब्जे से दो मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनको कब्जे में लेकर कॉल डिटेल के साथ हत्या को अंजाम देने वालों के साथ रिश्तों व बातचीत के सिलसिले की पड़ताल भी एटीएस टीम में कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।